ओम शांति। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भी भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं, सदा अपार खुशी में रहेंगे। कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं, स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें एक बाबा के सिवाय और कोई याद ही नहीं आए। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाबा के पास आए हो ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए, कमाई करने के लिए। बाबा तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाबा को याद करना है, इनकी माना ब्रह्मा बाबा। बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को देखते हैं। अब बच्चे कौन? आत्मा को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे ही देखता हूं। बाप के साथ रहता हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं। अंडरलाइन, आज ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही यह करता हूं। मैं दृष्टि देता हूं। सोचो कितना अच्छा वो स्थिति और स्वमान होगा बाबा। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही यह करता हूं। मैं दृष्टि देता हूं। देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं कंबाइंड। तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ बता रहे हैं? देही अभिमानी, देही अभिमानी होकर बात करता हूं, दृष्टि देता हूं, और ये फील करो कि मैं विश्व का मालिक बन रहा हूं, नशे में रहो।
और देही अभिमानी के सारे गुण और लक्षण मेरे में आते जा रहे। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, आपस में कभी भी लड़ो झगड़ो नहीं, अपने को आत्मा समझ इस देह को भी भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आए, यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए, कहते भी है आप मोए मर गई दुनिया, यहां तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो, सवेरे एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। बहुत उमंग से बाबा को याद करो, बस बाबा अभी हम आपकी गोद में आया कि आया, बस एक ही याद में ही शरीर का अंत हो जाए। देही अभिमानी हो, ऐसी अटूट याद हो, एक ही याद में शरीर का अंत हो जाए। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है, बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी, बाबा कहते हैं जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहेगा, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये सोचते ना भगवान तन के लिए क्यों हेल्प नहीं करता है, बाबा कहते हैं इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हो गया, बाबा कहेंगे यह सब तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़े, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं, बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लेते जाओ, भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहा जाता है। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त, उसके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाबा अपनी पलकों में छिप पाते हैं, बल्कि कोई ये आंखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाबा के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं,
तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते, इतना मीठा बाबा है, कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतना प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाए। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में रहता ही नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वह यह करता है, यह सब देही अभिमानी। नहीं, तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था तुम्हें धारण कर, पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बन। देह अभिमान में आने से दुखदाई बन जाते हो, तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो जाती, लाइफ भी छोटी हो गई। देह अभिमान आते आते लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाबा आया हुआ है तुम्हें सतो प्रदान बनाकर सदा सुखदाई बना। तुम जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाए। ये पक्का याद रहे हम भाई भाई। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुणी दिखाई दे, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को छोड़, गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां है जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहां न कहां उल्टा बोल भी निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने, हमारा बाप के साथ कितना लव रहता है। बाप से लव ऐसा हो जाए जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करके गदगद हो जाना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं, बाबा के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिलती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। अभी कितनी चिंताएं हैं सबको, इसलिए उसका असर फिर शरीर पर भी पड़ता है। बाबा कहते हैं चिंता करते तो शरीर पर भी असर होता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं है,
या खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। बस एक दो की यह जबरदस्त खातरी करनी, ऐसी खातरी मनुष्य मनुष्य की नहीं कर सकते। तुम बाबा की श्रीमत पर यह खातरी करते रहो। कौन सी खातरी? खुशी की खुराक एक दूसरे को खिलाते रहो। खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। ये ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, खुशी की खुराक। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव, बस दो वर्षंस की यह खुराक है। कौन सी खुराक है? खुशी की खुराक। मन मना भव मध्याजी भव, बस दो वर्षंस की यह खुराक है। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कोई कम बात थोड़ी है। ये दो वचन ही नामी ग्रामी है, इन दो वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। कौन से दो वचन बताए? मन मना भव मध्याजी भव। तो बच्चों को इन दो बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो। बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। बड़ा धीरज से गंभीरता से समझ से बाप को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? बड़ा धीरज से गंभीरता से समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसमें तुम्हें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है। मैसेज बहुत सच है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रही है, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाए, प्रजा भी बनती रहेगी, सेंटर्स भी वृद्धि को पाएंगे, तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। तो बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी। कहां किसी बेचारे के पैर फिसल न जाए। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती जाकर जीवदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे।
जितनी जितनी देही अभिमानी स्टेज होगी, मन मना भव मत्याची भव, ये खुशी की खुराक ज्ञान योग की हम खुद भी खाते रहेंगे, दूसरों की भी अच्छी तरह से हम संभाल करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जीवदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहां आकर हमको मनुष्य से देवता बनने का राजयोग सिखलाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। अब यह सभी रोले खत्म होने हैं, इनकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी। तुम सबको सुनाओ कि इनकी परवाह नहीं करो। न्यूज़ सुनते हैं ना तो दुनिया में सब लोगों को ऐसे लग रहा है ऐसे होता है वैसे होता है। बाबा कहते हैं तुम इनकी परवाह नहीं करो, यह पुरानी दुनिया तो गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी भी होनी चाहिए। दो मेन पॉइंट बताए बाबा, देही अभिमानी अवस्था हो और अपार खुशी। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाए। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता जाता है। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते रहो। भावनी का फील करो, ये शरीर गल रहा है, जीते जी मरना है, ऐसी अवस्था हो जानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप समान निरहंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करें, श्री मत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी। बाप समान निरहंकारीपन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी, श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगाना। दूसरा, संगम पर बाबा द्वारा जो खुशी की खुराक मिलती है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से
बाबा को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी। वरदान है आज का, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले, त्याग मूरत सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी करते हैं जब मैं पन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूं और करावनहार बाप है। मैं पन बाप के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सच्चे सेवादार। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। मोहताज बनना माना तंग, तंग हाल हो जाए ना, वैसे मैं जो करता है ना वो हमेशा उस लाइफ से तंग होता है, सेवाओं से तंग होता है। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकते। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आए। बहुत अच्छा आज का स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएंगे। अगर मेरे अंदर व्यर्थ होगा तो सेवा के दरवाजे खुल ही नहीं सकते हैं। मातेश्वरी के कुछ महावाक्य है वो फिर कल पढ़ लेंगे। आज का मुरली का प्रश्न उत्तर फिर से रिपीट करती हूँ। मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या हो? उत्तर है, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा, वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे, उनकी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे, वे बहुत खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएं। उन्हें एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद नहीं आएगा। ओम शांति। दादी जी की विशेषताएं पढ़ेंगे। आज दूसरी पॉइंट है, एक बल एक भरोसे से नंबर वन। दादी की बुद्धि कहां भी अटकी नहीं, न अटकी न चटकी, उन्होंने कभी किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया, सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांति वन, मन मोहिनी वन आदि का जो विस्तार अभी हम देख रहे हैं,
वह उनके दृढ़ संकल्प, एक बल, एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति में रहती, सदा यही ध्यान रहता कि करण करावन हार बाबा है, हम निमित हैं, उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया। आज का होमवर्क, आज 2 अगस्त है, आज का होमवर्क है, चेक कीजिए देही अभिमानी स्थिति बनाने के प्रयास में हमारे अंदर कितनी परसेंटेज में रूहानी प्रेम आ गया है, या सिर्फ दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान रहता है, जिस कारण से रूहानी खुशबू गायब हो जाती है और आपस में मतभेद बढ़ने लगता है। एकांत में बैठ जीते जी मरने का अभ्यास करें, महसूस हो कि शरीर का भान मिट रहा है। चेक करें हमारा बाबा के साथ लव है, और बाबा ने आज यूज किया वर्ड चटका हुआ लव है। बाबा के प्रेम में मतभेद, सॉरी, बाबा के प्रेम में गदगद होते हैं या अपनी देह में मोह अटका हुआ है? बाबा के प्रेम में गदगद होते हैं या अपनी देह में मोह अटका हुआ है? आज के लिए अभ्यास है, देही अभिमानी स्वरूप बन, सच्चे डायमंड बनने की अनुभूति करो।